दाता इस सीकर जिले की सबसे बड़ी ग्राम पंचायत है और उसमें 4 साल से पानी बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। कोई बहुत पैसे वाला सेठ है उसके घर में तो है, बाकी ऐसे गरीब आदमी आप जाके देखो कॉलोनी में डाणियों में तो बिल्कुल नहीं है। यहाँ सबसे बड़ी समस्या पानी की और लेटरिन बाथरूम की है। कुछ घरों में लेटरिन बाथरूम बना रखा है लेकिन उनमें भी क्या है कि पानी की वजह से बंद कर रखा है, यूज में नहीं आ रहा है बराबर। आधी से ज़्यादा पब्लिक बाहर जा रही है। स्वच्छ भारत अभियान है सबको पता है लेकिन फिर भी ये हो रहा है कि पानी की वजह से सब बाहर जा रहे हैं और शौचालय भी नहीं बना हुआ है। वो दाता हमारा गांव है, 19 वार्ड है और शौचालय तो हमारे हैं, टूटा फूटा है लेकिन पानी बिना क्या करे हैं, पानी नहीं आते हैं। पीने के लिए हम दुख पाते हैं, खाली आते हैं तो 2-4 मटके आते हैं, वो पीने की भी पूर्ति नहीं होती है तो शौचालय हम कैसे जाएंगे। शौचालय हम तो सुबह बाहर जाते हैं 5 बजे उठ के। शौचालय तो किटे तो ताला लाग रहा है, तला पर जा नहीं उठा जाओ किटे। किसी किसी का शौचालय है, किसी का नहीं है। और शौचालय तो शौचालय कहाँ से जाएंगे, पानी नहीं आता शौचालय कहाँ से जाएंगे, सब वहाँ बाहर तालाब के बाहर जाते हैं। मान लो आप पानी की बहुत ही दिक्कत परेशानी है। तालाब के पास से चारों तरफ दीवार है, इधर जाते हैं इधर भीड़ पड़ा है इधर खूब इधर इस तरह से यूज लेते हैं। वैसे घर में बहुत कम लोग ऐसे यार। मैं तो पानी माता से ले रहा हूँ, मैं तो ऊँच ऊँच बाल्टी और ले बोतल और सुबह ही जाना पड़े। मन तो कोई पानी आवे 6 साल होगी मांगे तो पानी आया है, तो चले है ही कोनी मांगे तो जाएंगे, है ही कोनी शौचालय भी कोनी और पानी भी कोनी और बना बड़ा आया जगह भी कौन बनाया मांगे तो जाएंगे भाई क्या कोनी बनाओ मैं तो ये बारह ही जाऊँ। बराबर 5 साल हो गया आज कि पानी में तो फोन करा टैंकर आ जाए बस, समझा बात नहीं थे। पानी की इतनी दिक्कत है बहुत ही ज़्यादा जी को सीमा ही कौन बात की बनवाया, लेकिन पानी कितना बंद पड़े क्या करा था, खुले में जाते हैं सब। देर रात में अंधेरा में 4 बजे उठ के जाओ तो वैसे कोई बैठ कर जाओ अंधा हो गए, और नहीं तो सवेरा हो जाए तो बिल्कुल नहीं बैठने देते कोई भी। तो मेरा प्लाट है, मेरा प्लाट है, लड़ाई करते हैं फिर। गाँव दांता रिंगस रोड, इसमें ये 5 साल में इसमें पानी नहीं आया। हम समस्या हमारे एक तो पानी नहीं आता है बिल्कुल भी, पाइपलाइन गिरी जब से भी नहीं आया पानी। वो बिल तो आया कई साल तक और एक शौचालय नहीं है, और जो हमने शौचालय कोई बनवा भी लिया 1-2 जना तो पानी की समस्या से उनको भी डरा लगा। नहीं मोदी वो तो क्या है टेलीविजन या टीवी तक मीडिया तक सीमित है भाई, जो एक्चुअली में जो पानी की समस्या है जो घर में जाए आप देखोगे तो न शौचालय है न पानी है, वो एक दिखावा मात्र है, पेपरबाजी है और वैसे कुछ नहीं है। 2009 में जब अमराराम जी विधायक थे तब उन्होंने सूलियावास 6 किलोमीटर दूर से 6 ट्यूबवेल सेंक्शन करवा कर 3,33,00,000 रुपए की स्कीम बनवा कर दाता में पानी डाला था, लेकिन वो आज 5 साल में बिल्कुल अब पानी नहीं आ रहा है। पहले उनके काल में 5 साल में पानी आया लेकिन अभी कोई पानी नहीं है। और जहाँ तक शौचालय का सवाल है कि जो कुछ खाते पीते लोग हैं उनके शौचालय है और वो तो पैसा देके टैंकर डलवाते और शौचालय काम में लेते हैं, बाकी गरीब आदमी हैं जो 70% उनके घरों में न तो शौचालय है। और शौचालय के लिए पंचायत ने दरख्वास्त ली थी कि आपके शौचालय बना देंगे, लेकिन वो शौचालय बने नहीं कि हमारा तो सर्वे हो गया और सर्वे में सबको दिखा दिया, सर्वे में सबके बता दिया कि सबके शौचालय है, अब आपके नहीं बनेगा। कोई फायदा नहीं है हमारे, बन बराबर है, वो ताला लगा हुआ है, हमारा शौचालय बाहर ही है, टूटा फूटा सा है लेकिन हमारा शौचालय सही है, क्योंकि हमारा वही मेहमान है वही जाता है, हम कभी भी नहीं जाते हैं शौचालय, बढ़कर भी नहीं देखते हैं। बिगर पानी के बिगर हम बाथरूम भी करते हैं तो पानी की जरूरत पहली पड़ती है। कह रही हूँ माँ तो पानी बना दो, दुख पा रहा हमें, माध्य गला में रोग हो रहा है, मैं अब गड़ो किया ले आऊँ माता पर मटको है, तो फिर डॉक्टरों का दुआया ले आवा, पानी मोल गिरावा, बच्चा ने किया पाला बताओ है। 500 रुपये लेते हैं पानी का टैंकर का, शौचालय है ही नहीं, शौचालय है तो बहुत दूर जाना पड़ता है। जो ये खोख ढकोसले वादे कर रहे हैं कि स्वच्छ भारत है, स्वच्छ अभियान है, ये सिर्फ कागजों में है, सोशल मीडिया पे है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे है, बाकी हकीकत जमीनी हकीकत पे ये सब नकली वाड़ा है, कुछ भी नहीं है।
यदि वसुंधरा जी आज यहाँ दातारामगढ़ में आ जाए तो न जाने यदि कोई पुलिस ही तो बचा ले वरना ये जनता उसको बर्दाश्त नहीं करेगी।